फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों आजकल जमाना है चैटबॉट्स का एंड चैटबॉट्स आर गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग नाउ द फ्यूचर विल बी फॉर चैटबॉट्स। ऐसे बहुत सारे काम इंडस्ट्रीज में होते हैं, कमर्शियल यूज में होते हैं, जो कि रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से चैटबॉट का बहुत ज़्यादा यूज है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं चैटबॉट और मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग और चैटबॉट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, मशीन लर्निंग का चैटबॉट में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, कैसे होता है और कितना चैटबॉट का स्कोप है मशीन लर्निंग के साथ, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी इंडस्ट्रीज, जहां पर चैटबॉट का बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग बहुत बड़ा यूज़ होता है, बहुत बड़ा कमर्शियल यूज़ होता है और इसका आगे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग चैटबॉट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं या आगे जाके उन्होंने कुछ प्लान कर रखा है कि इसमें सीखेंगे, करियर बनाएंगे, तो करियर ज़रूर ब्राइट है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों गूगल का गूगल असिस्टेंट, हेलो गूगल, हेलो गूगल, अमेज़ॉन का एलेक्सा और एप्पल का सीरी, अब ये अनकॉमन नाम नहीं है। एंड्रॉयड का फ़ोन तो सभी यूज़ करते हैं, तो हेलो गूगल बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये बहुत पुराने हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे एग्जांपल हैं बॉट टेक्नोलॉजी के, क्योंकि हम काफ़ी एज अ कंज्यूमर हम काफ़ी लंबे अरसे से इनको यूज़ करते आ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि टाइम के साथ साथ ये बॉट्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। कभी एक ज़माना था कि जब हम इनको सिर्फ अलार्म लगाने या टाइम पूछने के लिए यूज़ करते थे, खेल में यूज़ करते थे, इनका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जैसे जैसे ये इवॉल्व हुए हैं, जैसे जैसे ये एडवांस हुए हैं टेक्नोलॉजी में, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हम अपनी लाइफ में करने लग गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बॉट्स हैं, क्या कभी ह्यूमन लाइक कन्वर्जेशन, ह्यूमन लाइक जवाब हमको काफ़ी आगे जाके दे पाएंगे? कमेंट्स में मेरे को बताइए। दोस्तों विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग नाउ चैटबॉट्स हैव इवॉल्व्ड अ लॉट एंड दे कैन टेक बेटर अटेम्प्ट्स इन टॉकिंग टू अस इन अ नेचुरल लैंग्वेज, इन अ नेचुरल कन्वर्जेशन वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्जेशन एज वेल। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि पिछले 10-12 सालों में चैटबॉट टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इम्प्रूव हुई है, जिस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं इस इंडस्ट्री में, आज चैटबॉट्स कुल मिला के इतने इवॉल्व हो चुके हैं, इतने इम्प्रूव हो चुके हैं कि अब वो हमारी नेचुरल कन्वर्जेशन को समझ के, यानी कि उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ के हमको रोबोटिक जवाब दे सकते हैं, जो कि काफ़ी क्लोज हो सकते हैं एक्चुअल ह्यूमन कन्वर्जेशन की। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आपने अपने दोस्त से पूछा कि इस वक्त दिल्ली में मौसम कैसा है, आपके दोस्त ने जवाब दिया जो भी है कि जो टेम्परेचर एक्चुअल है वो टेम्परेचर बता दिया या ठंडा है गर्म है ये बता दिया। फिर आपने एक लफ्ज़ का क्वेश्चन पूछा, बम्बई, सिर्फ एक लफ्ज़ बम्बई, आपका दोस्त इस बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को समझता है तो वो समझ जाएगा कि आप बम्बई का मौसम पूछ रहे हैं। आज की डेट में भी अगर आप गूगल असिस्टेंट से या सीरी से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली, आपको एक जवाब आता है कि दिल्ली में वेदर क्या है। अगर इसके बाद, इसके फौरन बाद आप सिर्फ एक वर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं मुंबई या कोई भी शहर, नाउ इन टुडेज वर्ल्ड दीज बॉट्स आर एडवांस इनफ टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्टेक्स्ट है उस बातचीत का वो मौसम को लेके है, तो आप मौसम ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है मुंबई और आपको वो सीरी या गूगल असिस्टेंट मौसम बता देगा मुंबई का, वो समझ जाएगा कि मौसम के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो आपका एक क्वेश्चन जो आपने एक वर्ड यूज़ किया वो क्वेश्चन नहीं है। अगर आप एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं है, कम्प्लीट सेंटेंस नहीं है, कम्प्लीट कमांड नहीं है। लेकिन बॉट की टेक्नोलॉजी आज इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि वो कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपको सही जवाब दे देगी। अब से 5-8 साल पहले ये मुमकिन नहीं था, आपको एक पूरी कमांड देनी पड़ती थी एक सही जवाब जानने के लिए। ये पॉसिबल हुआ है न्यूरल कन्वर्जेशन एजेंट्स के डेवलपमेंट की वजह से। कन्वर्जेशन मॉडल्स को समझा गया, उन मॉडल्स को समझने के लिए न्यूरल कन्वर्जेशनल एजेंट्स डेवलप किए गए कोडिंग के थ्रू, जो कि समझ सकें कि किस अलग अलग तरीके की कन्वर्जेशन हो सकती है, कैसे उसके कॉन्टेक्स्ट को ग्रैस्प किया जा सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट किस तरीके के रिस्पॉन्स दिया जा सकते हैं।
तो दोस्तों, ये न्यूरल नेटवर्क कन्वर्सेशनल मॉडल को समझने के लिए जिस तरीके के बॉट एजेंट्स बनते हैं जो कि बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें, और एक कन्वर्सेशनल मॉडल को समझने के लिए उसके जितने भी लॉग्स होते हैं उसको स्टडी कर सकें, द प्रोसेस इज टू टेक्निकल इन विच आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू, क्योंकि इस प्रोसेस का इस वीडियो का मकसद है आपको ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट समझाना। तो मैं छोटा छोटा ये बता देता हूँ कि मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि बॉट्स होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं रूल बेस्ड चैटबॉट्स, दूसरे होते हैं AI चैटबॉट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स। जो पहला टाइप है रूल बेस्ड चैटबॉट्स, नाम से ही जाहिर है रूल बेस्ड, यानी कि प्री डिफाइंड रूल्स, पहले से रूल्स कन्फिगर किए गए हैं स्पेसिफिक कमांड्स के लिए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, जिनके बहुत ही डेफिनेट आंसर हैं, कन्फिगर्ड हैं रूल के हिसाब से, वो आउटपुट उनका उन आंसर्स के रूप में आ जाता है। जो रूल्स में नहीं होगा वो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। रूल्स पहले से कन्फिगर होते हैं और आगे जाके अगर ज़रूरत पड़े तो बिजनेस नीड के हिसाब से उन रूल्स को दोबारा कन्फिगर किया जा सकता है, रिस्पॉन्सेज चेंज किए जा सकते हैं। जो दूसरा है AI चैटबॉट्स, AI मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स, ये यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग का, हिस्टोरिक ट्रांसक्रिप्ट का, सिर्फ एक यूज़र के साथ नहीं बल्कि सारे यूज़र्स के साथ, मतलब सारे हिस्टोरिक ट्रांसक्रिप्ट को यूज़ करके, स्टडी करके, मशीन लर्निंग अडॉप्ट करके, एक बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को समझ के ये केपेबल होते हैं स्मार्ट आंसर्स देने के। यानी कि अगर कुछ रूल्स में नहीं, रूल्स में ये होता है कि आपको मशीन लर्निंग अडॉप्ट करके हिस्टोरिक ट्रांसक्रिप्ट्स को फैक्टर करके स्मार्ट आंसर्स देने, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे होते हैं रूल बेस्ड चैटबॉट से। रूल बेस्ड चैटबॉट्स एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और जहाँ पे उस पैटर्न के बाहर कुछ भी आ गया वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इन अ लिमिटेड फैशन ये आउट ऑफ द पैटर्न कन्वर्सेशनल मॉडल के कॉन्टेक्स्ट को भी समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आपको आउटपुट यानी कि रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। चैटबॉट्स हैव अ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल इन सर्विस कॉमर्स इंडस्ट्री, सो इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होने का पोटेंशियल है। मैं आपको इसके 5 इंडस्ट्रियल यूज़ बताता हूँ, इंडस्ट्रीज़ बताता हूँ जहाँ पे, और एग्जांपल के साथ बताता हूँ जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने का पोटेंशियल है। सो दोस्तों, सबसे पहली जो इंडस्ट्री है वो है कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री। अब कस्टमर सर्विस जो एक डिपार्टमेंट है वो हर इंडस्ट्री में होता है, हर कंपनी कस्टमर सर्विस भी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एयरटेल में फ़ोन करते हो तो कई हज़ारों कॉल्स इसलिए होती हैं कि उनको कस्टमर को अपना बैलेंस पूछना है या बिल पूछना है या इंटरनेट स्पीड पूछनी है या कोटा पूछना है इंटरनेट का, रिपीटेटिव क्वेश्चंस, यू नो, रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस, बहुत बड़ा चैटबॉट का यूज़ है और होता भी है। आप वो देखते हैं उनका जो वॉइस असिस्टेड नेविगेशन होता है, जो IVR होता है कि एक दबाएँ इसके लिए, दो दबाएँ उसके लिए, ये एक बॉट का ही एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स तो पिछले कई सालों से हर जगह बूम पर है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। तो सबसे बड़ा यूज़ जो ई कॉमर्स में होता है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में चैटबॉट्स का है कि विदाउट इवन एनी ह्यूमन इंटरैक्शन यू हैव एन असिस्टेंट, एन एड ऑन असिस्टेंट। जो आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे कस्टमर आ रहा है, खुद खरीद रहा है, वो तो ठीक है, चैटबॉट बिना किसी ह्यूमन का यूज़ किए एक ह्यूमन लाइक टच, एक असिस्टेड नेविगेशन आपके कस्टमर को देता है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट आर योर नीड्स। चैटबॉट्स कस्टमर्स की नीड्स को सुनता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को सुनता है और उसके बेसिस पे उसको असिस्ट करता है उस वेबसाइट को ब्राउज करने में, उस प्रोडक्ट को ढूंढने में जो उसको चाहिए, फटाफट उसको वो प्रोडक्ट दिखा देता है उसकी नीड्स के हिसाब से, और कस्टमर्स उस असिस्टेड नेविगेशन की वजह से एक बेटर परचेज डिसीजन ले पाते हैं। नतीजा ई कॉमर्स वेबसाइट का कन्वर्जन बढ़ता है, ई कॉमर्स वेबसाइट की सेल्स बढ़ती हैं, रेवेन्यू। तो बहुत बड़ा यूज है चैटबॉट्स का ई कॉमर्स में। ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल बुकिंग, आजकल शायद ही लोग ट्रेन्स के टिकट लेने या प्लेन्स के टिकट्स लेने एजेंसीज के पास या एयरपोर्ट्स या स्टेशन में जाते होंगे, सारी की सारी बुकिंग ऑनलाइन होती हैं। तो बहुत बड़ा चैटबॉट्स का यूज़ है, आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं चैटबॉट्स के थ्रू असिस्टेड नेविगेशन, तो यहाँ पे भी वही ई कॉमर्स का फंडा है। आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, सुबह जाना है, शाम को जाना है, शाम को ट्रैवल पसंद है, सुबह की फ़्लाइट लेनी है, जो भी आपकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम टू अ ह्यूमन और वेटिंग फॉर अ ह्यूमन टू असिस्ट यू, चैटबॉट्स आर देयर हु कैन गिव यू द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फ्रॉम
the inventory as per your requirements, as per your budget. Finance and banking industry, huge level पे इसका potential है chatbots का इस industry में. Finance and banking में कितने ही तरीके के, banking में जो banking transactions होते हैं वो तो आपको पता होगा. Financing में there are many transactions, many type of business, investments businesses के लिए एंड कंज्यूमर्स के लिए कई तरीके के, कई पचासियों तरीके के तो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक आम इंसान बिना किसी मदद के या बिना किसी रिसर्च के सोच ही नहीं सकता कि कहाँ पैसा लगाऊं कहाँ ना लगाऊं. जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं कि कितना बैलेंस है, कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, कई पचासियों सौ तरीके के क्वेश्चंस. चैटबॉट्स without any human invention, with pre-configured rules, with the use of AI chatbots, machine learning chatbots, you can get away from the need of employing so many banking personnel just by using this chatbot technology. आपका बैंक बैलेंस कितना है, अगर आपका सिटी बैंक, HDFC, ICICI इन बैंक्स में अकाउंट है, तो इन सब मामूली चीज़ों के लिए तो आपको मालूम है कि ऑनलाइन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इनके बॉट्स भी हैं, इनके IVR भी हैं जो आपके सारे के सारे रिस्पॉन्स कर देते हैं. लेकिन इमेजिन कीजिए, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कई इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, कई स्टॉक ब्रोकर्स, कई इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट कराते हैं एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स में, वो लोग एक मैनेजर तो देते ही देते हैं, लेकिन आजकल विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वो बॉट्स का भी यूज़ कर रहे हैं. यानी कि एक बॉट आपको बता रहा है कि भैया ये शेयर बेकार है, ये शेयर अच्छा है, इस शेयर में पैसा डालो, लास्ट ईयर इसने इतना डिविडेंड दिया था, ये सारी की सारी जानकारी आपको एक बॉट से मिल रही है. बॉट आपको ये भी बताता है कि आपका पोर्टफोलियो इतना है, पिछले 3 साल में इतना बड़ा है, लेकिन अगले 6 महीने में घटने की आशंका है बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट फैक्टर. सो इस लेवल के इंटेलिजेंस भी आपको चैटबॉट्स के थ्रू मिल सकते हैं. वो एक डिस्क्लेमर हमेशा रहता है कि हिस्टोरिकल रिजल्ट्स आर नॉट द की इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो वो डिस्क्लेमर याद रखिएगा. आईटी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी हैज़ एन आईटी डिपार्टमेंट. आईटी की ज़रूरत सबको है, हर इंडस्ट्री में होती है, चाहे वो बिस्कुट बनाने की कंपनी हो या कंप्यूटर बेचने की कंपनी हो, एक आईटी डिपार्टमेंट सबके पास होता है. एक लंबी चौड़ी पर्सनल अगर होती है, अगर एक मिड टू लार्ज स्केल कंपनी है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आईटी सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, सबको छोटी मोटी आईटी प्रॉब्लम्स आती हैं, आईटी इश्यूज आते हैं. विद द यूज़ ऑफ चैटबॉट्स, जस्ट इमेजिन द मैजिक ड्रॉप रेट दैट यू कैन ब्रिंग टू योर सर्विस SLAs, योर SLAs, योर सर्विस लेवल्स, कितने कम वक्त में आप प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, यानी कि अपनी उनकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकते हैं. एक सर्वे के हिसाब से 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स हैपन बिकॉज ऑफ 20% ऑफ द इश्यूज, जो IT इश्यूज हैं. ये मैं आपको 80-20 रूल नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये भी कह रहा हूँ कि एक IT में भी एक सर्वे हुआ है कि जो 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि लोग फेस करते हैं, वो 20% इश्यूज की वजह से होती है जो कि रिपीटेटिव नेचर के होते हैं. यानी कि अगर उनका सॉल्व आप पहले से ही कहीं चिपका के रखो, उनको दे के रखो, बॉट्स में कन्फिगर करके रखो ताकि वो फटाफट अप्लाई किया जा सके, तो उनको बहुत जल्दी फिक्स किया जा सकता है. तो आईटी इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज़ है और काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी इसका यूज़ कर रही हैं कि जो नोन इश्यूज़ होते हैं अगर किसी को आए, बॉट उनको ये फटाफट आंसर दे, कई केसेस में तो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट भी कर दे एक एम्प्लॉई के सिस्टम पे जो कि प्रॉब्लम फिक्स हो जाए. तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो चैटबॉट और मशीन लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग का किस तरीके से चैटबॉट में यूज़ होता है और आगे इसका किस किस इंडस्ट्रीज़ में स्कोप है. काफ़ी अच्छा स्कोप है. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझको ज़रूर बताइए. अच्छा लगा तो लाइक भी कर दिए, सब्सक्राइब भी कर दिए. इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल ज्ञान वाले वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ. मिलूंगा अब आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.